आज हम लोग लेके आए एक म्यूजिक प्लेयर। ये कोई ऐसा वैसा म्यूजिक प्लेयर नहीं है, इस पर आप एसडी कार्ड लगा के आप साउंड सुन सकते हैं। तो ये एक माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से इसको बनाया है, आप चाहे तो आर्डिनो से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक म्यूजिक प्लेयर है, आप इस पर प्ले पुश नेक्स्ट प्रीवियस सब कुछ इसमें दे सकते हैं। और इस पर डिस्प्ले भी है, क्या गाना बज रहा है सब कुछ इसमें आएगा। और इस पर एक स्पीकर भी है, आप इससे आसानी से गान सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा एक म्यूजिक प्लेयर है। तो आइए ये सर्किट किस प्रकार से बनते हैं वो देखते हैं। जय दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो। मैं अवकांति और अवरेश कांति में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक म्यूजिक प्लेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडी कार्ड से हमने इसको चलाएंगे। तो इस पर एक आर्डिनो का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो लगाया है और एक डिस्प्ले देखने के लिए। तो यहाँ पे प्ले है, मतलब यहाँ पे प्ले देंगे। और ये जो बटन है ये नेक्स्ट का है और ये बटला बटन जो कि प्रीवियस का है। तो इस पर मैंने जो कि चार इस पर MP3 इसमें डाल दिया है। तो एक्चुअली ये MP3 नहीं, ये वेब फाइल करके हमने इस पर डाला है। तो जब भी प्ले देंगे तो ये प्ले हो जाएगा, लोडिंग हो रहा है। तो अभी सॉन्ग वन प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे पुश भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो सॉन्ग वन में छोटा छोटा गाना इस पर डाल दिया ताकि देखने में आसानी हो। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया, सॉन्ग टू आ गया है, देखा आपने। तो ये इस पर प्रीवियस भी आ रहा है, सॉन्ग थ्री आ रहा है। तो जब भी नेक्स्ट देखिए, जब भी हम लोग प्रीवियस देंगे तो ये प्रीवियस में आ जाएगा। देखिए प्रीवियस देने से ये सॉन्ग टू पे आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट देंगे तो सॉन्ग थ्री पे आ गया है, देखा आपने। तो अभी कंटिन्यूसली फोर चार नंबर सॉन्ग आएगा। तो ये सॉन्ग थ्री बजने के बाद चार नंबर आ गया है, उसके बाद नेक्स्ट नहीं है, मतलब इसके बाद गाना खत्म हो गया है। उसके बाद प्रीवियस आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर से पहले आ गया है, मतलब यहाँ पे प्ले देंगे फिर से ये स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं प्ले दे रहा हूँ तो ये लोडिंग होके ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये MP3 काम करते हैं। तो MP3 का जो सर्किट है वो किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाना है तो सबसे पहले एसडी कार्ड के पिन के बारे में जानना होगा। एसडी कार्ड के सबसे नीचे वाला पिन का नाम है डाटा 2। इसके बाद जो पिन है इसका नाम है CS। इसके बाद जो पिन आता है वो है MOSI यानी कि CMD। इसके बाद जो पिन है उसका नाम है ग्राउंड यानी कि नेगेटिव। इसके बाद जो पिन है वो है BCC यानी कि 5 वोल्ट। इसके बाद जो पिन है ये है CLK। इसके बाद जो पिन है वो है ग्राउंड। इसके बाद जो पिन आएगा इसका नाम है MISO। इसके बाद जो पिन है इसका नाम है डाटा 1। मतलब ये जो डाटा 1 डाटा 2 है इसके कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट पर। अभी इसको बेस करके सर्किट बनाएंगे। अभी हम लोग एसडी कार्ड के अंदर चार सॉन्ग इस पर डालेंगे। तो चारों का चारों सॉन्ग वेब फाइल का होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज में जाके आप लोगों को दिखाते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं वेब फाइल। तो ये MP3 फाइल नहीं होगा, ये वेब फाइल होगा।
अभी हम लोग एसडी कार्ड को लगाएंगे। अगर प्रोजेक्ट को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।